यूपी के कानपुर देहात में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रोला पलटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। ट्रोला यानी बड़ा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 22 लोग सवार उसके नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि देर रात कोयले से लदा ट्रोला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के मऊ मुगल रोड पर पलट गया। ट्रॉले पे बैठे मजदूर नीचे दब गए, जिसमें 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हैं। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में मऊ खास गांव पड़ता है। एक कोयले लदी ट्रक जो इटावा की तरफ जा रही थी, उस पे 22 मजदूर इटावा ही जा रहे थे, तो ट्रक पलट गई थी और ट्रक कोयले से भरी थी, तो जो मजदूर उसके ऊपर सवारी थे वो उस कोयले के नीचे आ गए थे और सूचना पर पुलिस बल द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया, जिसमें और लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन 6 लोगों में 2 महिला 1 पुरुष और 3 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जो जिला अस्पताल रेफर किया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। अन्य 8 लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को CHC पुखराया में भर्ती कराया गया है, साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें, सभी घायल हमीरपुर जिले के वरनाव कलौली तीर गांव के रहने वाले हैं। ये सभी ट्रॉले पर बैठकर मजदूरी के लिए इटावा के सिरसागंज जा रहे थे। इनके साथ इनके परिवार और बच्चे भी मौजूद थे। न्यूज डेस्क।